नमस्कार, टेक ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति द्विवेदी। अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अपने पास के आधार केंद्र में जाएं, आधार कार्ड साथ ले जाएं, इतना करने से आपका मोबाइल नंबर कार्ड में अपडेट हो जाएगा। हम सब ये बात जानते हैं कि आज के समय में आधार कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। आधार के जरिए हम कई तरह की सर्विसेज का लाभ उठाते हैं और इन सेवाओं को लेने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है। ऐसे में UIDAI की ये जानकारी आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए किसी तरह के पेपर की जरूरत नहीं होगी, इससे जाहिर तौर पर सबको राहत मिलेगी। आपको बता दें, आधार कार्ड एक पहचान पत्र के तौर पर काम करता है। ये 12 डिजिट का होता है। इसे UIDAI की ओर से जारी किया जाता है। आधार कार्ड होने से आप सरकारी सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। आधार कार्ड की ऑनलाइन सेवा और इन लाभों को लेने के लिए कार्ड में मोबाइल नंबर का अपडेट कराना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपने आधार कार्ड में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोबाइल से आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट होने पर आप घर बैठे आधार कार्ड में नाम पता से जुड़े सारा विवरण अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। ईपीएफ से जुड़ी कई तरह की सेवाओं का लाभ भी आप घर बैठे उठा सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। टेक्नोलॉजी से जुड़ी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।